उत्तर प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयास जारी है। एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के साथ साथ तेज टीकाकरण की रणनीति कोविड से बचाव में अत्यंत कारगर रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए हैं और 17 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 145 सक्रिय मामले हैं। कल प्रदेश में 1,43,435 सैंपल टेस्ट की गई है। अब तक 8,60,05,946 सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 11,50,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 2,42,00,000 से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। इस प्रकार 16% से अधिक लोग पूरी तरह टीका कवर प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 61% से अधिक लोगों ने कम से कम एक डोज लगवा ली है। सीएम योगी ने दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों की समय से टीका कवर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर महत्वपूर्ण खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।